हेलो गाइस, दिस इज़ कुलभूषण चोपड़ा और आप लोग मुझे केबीसी या फिर केबीसी सर के नाम से याद रख सकते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी के 12 साल टीचिंग करने के बाद, प्रोफेसरशिप करने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि बच्चों को ना केवल एक ट्रेडिशनल कोर्स नहीं चाहिए, ट्रेडिशनल एजुकेशन नहीं चाहिए, बुकिश एजुकेशन नहीं चाहिए। एडोलसेंस एक ऐसी एज है जहाँ पर बच्चा बहुत कुछ डेवलप कर रहा होता है और उसे उस समय उसकी सारी जिज्ञासाओं की शांति चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली, चाहे एजुकेशन सिस्टम की बाउंडेशंस मान लीजिए या फिर टीचर के ऊपर एक प्रेशर कोर्स कवर कराने का, ये मान लीजिए टीचर आज बच्चे का टीचर तो बन जाता है पर दोस्त नहीं बन पाता, या बच्चों को एक वो एनवायरनमेंट नहीं दे पाता जहाँ पर बच्चे को सारे आंसर्स चाहिए। और कहीं ना कहीं यही एक समस्या टीचर और बच्चे के बीच में डिफरेंसेस पैदा कर रही है। और ये समस्या केवल बच्चों के बीच में नहीं है, प्रोफेशनल्स, इवन मास्टर्स कर रहे बच्चे, कॉलेज गोइंग बच्चे या प्रोफेशनलिज्म में भी बहुत से लोग होते हैं जो किसी कारणवश उन विषम परिस्थितियों में घिरे होते हैं जहाँ से वो डेवलप नहीं कर पाते अपने मानसिक लेवल को ज़्यादा, तो उन्हें भी एक समय बाद क्यूरियोसिटी होती है और उस क्यूरियोसिटी का आंसर नहीं मिल पाता। तो वेल, यहाँ पर मैं कुलभूषण चोपड़ा, आपका केबीसी या केबीसी सर, कोशिश करूँगा कि आपके जिज्ञासाओं को शांत कर सकूँ, तमाम प्रकार के सवालों के जवाब दे सकूँ और मेरी फैटर्निटी से जुड़े हुए लोगों से मैं बातचीत करके, एक्सपर्ट लोगों से बातचीत करके, अनुभवी लोगों से बातचीत करके, जो आंसर्स मुझे नहीं आते होंगे मैं उनका भी जवाब दूंगा और मैं अपने व्यूज़, अपने अनुभव आपके सामने रखूँगा, साझा करूँगा, जिससे आपके लाइफ में आ रही छोटी छोटी हर्डल्स थोड़ी दूर हो सकेंगी। और अगर आपकी जिज्ञासाओं की थोड़ी सी भी शांति हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो ये एक मेरा छोटा सा प्रयास है, अगर मेरी बातें आपके दिल को छुए, आपकी सिचुएशंस को छुए और वहाँ से आपको थोड़ा सा भी सॉल्यूशन मिले या हेल्प मिले तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हम परिवार को बढ़ाएंगे। और हो सकता है आपके जुड़ने से, जब परिवार जुड़े बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में हम किसी कोने में बैठे हुए व्यक्ति की, जो किसी और से कंसल्ट नहीं कर सकता, हम उसकी हेल्प कर पाएँ, उसकी जिज्ञासाओं को शांत कर पाएँ तो हमें खुशी होगी। बस यही छोटा सा प्रयास है। तो अब ये सीरीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं कि हम अपने आप को बदलें कैसे, हम ट्रेडिशनल कोर्सेज से बाहर कैसे आएँ और हम ज़िंदगी में क्या क्या कर सकते हैं और कहाँ कहाँ अड़चनें आती है, ऐसे हज़ारों तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे आपको यहाँ पर। और कोशिश रहेगी, और हो सकता है मेरा कुछ व्यूज़ थोड़े से अग्रेसिव भी हो जाए तो बुरा मत मानिएगा, 10 एक परिवार है ना। तो आप मुझसे कभी भी व्हाट्सएप पे या मेरे टेलीग्राम पर या कमेंट सेक्शन पे कोई सा भी सवाल पूछ सकते हैं, किसी प्रकार का सवाल पूछ सकते हैं, मुझे सभी सवालों के जवाब देने में खुशी अनुभव होगा। थैंक यू, आप सभी का सहयोग जारी है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।